हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए HSLC 2024 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आओ उद्यमी बने चैप्टर का क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये सेशन आप लोगों का प्री बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ उसे डेफिनेटली आप लोग करके जाइएगा। और चैनल पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ डाला हुआ है, वो प्रीवियस है, बट आप लोगों के ये अपकमिंग एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करने वाला है। सो उन वीडियोस को भी आप लोग डेफिनेटली वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एमसीक्यू। आप लोग किसी भी चैप्टर का पूरा ही कीजिए क्योंकि एमसीक्यू में कुछ छोड़ना नहीं है, सारा ही करके जाइए। वैसे भी आप लोगों का 1 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली 2 ही आता है, ठीक है। तो एमसीक्यू जो भी है वो करके जाना ही बेटर रहता है। इसके बाद 1 मार्क्स का जो भी आंसर है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग बेसिकली ये वाला क्वेश्चन करके जाइएगा और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बुक में आप लोग टिक कर लोगे, जब ये वीडियो देखोगे तो बुक निकाल करके आप लोग क्वेश्चंस को वहाँ पे टिक कर लेना ताकि आप लोगों को रीड करने में हेल्प हो सके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, और कैसे व्यक्ति को उद्यमी कहा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गरीबी के संदर्भ में क्या कहा है, विचार या चिंतन के संदर्भ में धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा है, ठीक है। ये दो चार क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे टिक किए, ये क्वेश्चंस करके जाएंगे आप लोग। इसके अलावा आप यहाँ से करेंगे कि उद्यमी बनने के लिए किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। फिर मुद्रा ऋण योजना क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी। विद्यार्थियों को क्यों उद्यमी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद समयक उत्तर में आप लोगों को देखना है, इसमें आप लोगों को देखना है सप्रसंग व्याख्या में, ये ऊपर का 2 सप्रसंग, ठीक है, ऊपर का 2 सप्रसंग। आशय स्पष्ट में आप लोग देखोगे ये वाली आशय स्पष्ट, और आशय स्पष्ट में ये वाला ही देख करके जाना। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन आप लोग देख के जाओगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को टिक करवाया है ये इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये नया चैप्टर है हमारा और अभी तक सिर्फ हाफ ईयरली ही हुआ है, तो उसके बेसिस पे ही मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। सो ये क्वेश्चंस जो भी दिया है डेफिनेटली इसमें से कॉमन क्वेश्चन गिरेगा ही, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो या फिर HSLC 24 हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं, ठीक है, जैसे श्री गणेश करना, खून पसीना एक करना, गांठ में बांधना, दौड़ धूप करना, जान पर खेलना, जमीन पर पैरना पड़ना, ठीक है, और भाव स्पष्ट में ये जहाँ चाह मारा, हथेली पर दही नहीं जमते, मतलब ये चारा ही आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मुहावरा और ये लोकोक्तियाँ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है ये वाली मुहावरे और लोकोक्तियाँ का, ये आप लोग डेफिनेटली करके जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए ताकि चैनल और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।